नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन, स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। आज की इसके बेनिफिट और फीचर्स बताने वाला हूँ, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले इस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे फीचर्स मिलते थे दोस्तों, लेकिन अभी कुछ डिग्रेडेशन हुए हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पे जो है, मैं आपको बेनिफिट फीचर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले इस क्रेडिट कार्ड में क्या होता था, आप कहीं पे भी जो ऑनलाइन खर्चा करते थे तो आपको 5% का कैशबैक मिलता था, वो भी अनलिमिटेड। बट अभी यहाँ पे देखिए लिमिट लगा दी गई है, तो आप अभी जो है जो कैशबैक ले सकते हो वो 5,000 रुपये तक का ही यहाँ पे ले पाओगे। दोस्तों, यदि आप यूटिलिटी बिल पे इस क्रेडिट कार्ड की मदद से खर्चा करते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ कुछ और भी कैटेगरीज है जहाँ पे जो है आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप रेंट पेमेंट करते हो तो कोई ही कैशबैक नहीं मिलेगा, वॉलेट लूट करते हो तो भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, फ्यूल स्पेंड में पैसा खर्च करते हो तो भी आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलेगा कैशबैक, और EMI पेमेंट्स पर भी आपको कोई भी यहाँ पे कैशबैक नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ स्कूल और एजुकेशनल सर्विसेज पे आप यहाँ पे खर्चा करते हो तो भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस पे आप पैसा खर्च करते हो तो भी आपको यहाँ पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, और रेलवे की टिकट आप बुक करते हो तो भी आपको यहाँ पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। तो ये कुछ कैटेगरीज थी, इसमें आपको कुछ भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आपको साल भर में आप जो है 2,00,000 रुपये स्पेंड कर देते हो तो आपको जो एनुअल फी है इसकी वो वे ऑफ हो जाएगी। वो कितनी है अभी आगे बताता हूँ। एक फीचर और भी है, 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाता है। 500 से 3,000 के बीच में आपको फ्यूल भरवाना है, और जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 100 रुपीज़ पर स्टेटमेंट में आपको, पर स्टेटमेंट साइकिल में आपको मिलेगा। तो चलिए अभी ज्वाइनिंग और एनुअल फी भी बता देता हूँ। तो ज्वाइनिंग फीस की 999 रुपीज़ है, और एनुअल फीस भी जो है 999 रुपीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर की जो एनुअल फी रहेगी आपको फ्री मिलेगी, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड से फिर 999 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और यदि आपके कार्ड से हो जाती है 2,00,000 खर्चा तो फिर ये वेव ऑफ भी हो जाएगी। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।